हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम जावा का सिंटैक्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने जो अभी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, इसमें जो लाइनें लिखी हुई है वो होती क्या है। तो मैं आपको थ्योरी प्लस कोड दोनों की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है? तो देखते हैं हम। तो पहली बात क्या है कि जावा का जो प्रोग्राम है, एवरी लाइन ऑफ कोड दैट रन्स इन जावा इज मस्ट बी इनसाइड अ क्लास। तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जावा का जो भी प्रोग्राम होता है, सिंगल सिंगल, मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि जावा ऑब्स पे बेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, ठीक है? तो हम इसमें क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो जावा का जो भी एग्जीक्यूटेबल लाइन्स होती हैं, प्रोग्राम होता है, वो क्या होती है, वो क्लास के अंदर होती है। तो ये देखिए, हमने क्लास बनाया है और इस क्लास के अंदर हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। तो ये एक पॉइंट है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है? और अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ये हमारी क्लास बन गई, नेक्स्ट लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक और ये मेन के अंदर जो भी है, इस पे अभी आप फोकस ना करें, अभी मान लीजिए कि ये होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आने लगेगा। केवल ये देखिए कि ये मेन मेथड जो है, ये आपको हर जावा के प्रोग्राम में मिलेगा। ये मेन मेथड हर जावा के एवरी एवरी कोड मेन मेथड विल कंटेन। ओके, सो कोई भी कोड हो वो मेन मेथड को कंटेन करेगा ही करेगा। और ये मेन मेथड जो होता है, इसके अंदर हम अपनी कोड वगैरह लिखते हैं, ठीक है? दो पॉइंट हो गए गाइस। सबसे पहले, कोई भी जावा का कोड हो एग्जीक्यूटेबल, वो क्लास के अंदर होगा, और एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन मेथड। और थर्ड चीज क्या है, हम जावा का क्लास नेम जो देते हैं वो, और हम जिस नाम से अपनी फाइल को सेव करते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज हम एरर पाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसको हेलो कर दिया, हेलो वर्ल्ड से, और मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया, अब हम कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं और जावा सी से मैंने इसको कंपाइल किया, तो ये देखिए मेरे पास आ गया, एरर आ गई, ये देखिए वन एरर, ठीक है गाइज? और ये क्या आ रहा है, एरर, क्लास हेलो इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम हेलो डॉट जावा। ये कह रहा है कि फाइल नेम को भी आपको हेलो डॉट जावा से सेव करना चाहिए, जबकि ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा से है। तो यही मैंने आपको बताया कि अपनी जो फाइल है वो, और अपन उसको जिस नाम से सेव कर रहे हैं, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो, मैं आपको वापस दिखाता हूँ कंपाइल करके। तो ये देखो, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। अब हम रन भी कर लेते हैं आपके लिए। ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड हमारा आ गया। तो और ठीक है गाइज, तो हम दो लाइनें हमने समझ ली है जावा के सिंटेक्स में। हम थर्ड मेन लाइन देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये क्या होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं जावा में, ठीक है? और अगर हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए होती है तो हम एलन लगाते हैं, अगर हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करना चाहते तो हम एलन नहीं लगाएंगे। अगर देखो, मेरे को कुछ और प्रिंट करना होता, मैंने इसको कॉपी किया और ये देखो, अगर मैंने लिख दिया यहाँ वेलकम टू इंडियन कोडिंग हम लिख देते हैं, तो आप देखेंगे वेलकम टू इंडियन कोडिंग, ठीक है गाइज? तो देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट एलन लगा रखा है, यहाँ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट एलन लगा रखा है, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन में वेलकम टू इंडियन कोडिंग प्रिंट करना चाहिए। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले, कंपाइल हो जाए, ओके। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड, और इसने नेक्स्ट लाइन में वेलकम टू इंडियन कोडिंग प्रिंट किया है। अगर हम इसमें से एलन हटा देते हैं, प्रिंट एलन की जगह ओनली प्रिंट एलन देते हैं, तो ये सेम लाइन में प्रिंट करेगा। मैं आपके लिए इसको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ, ये कंपाइल हो गया हमारा, इसको रन भी कर लेते हैं। तो ये देखो, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इंडियन कोडिंग। तो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरीज देन प्लीज पुट योर डाउट इन द Q&A सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।